दोस्तों अगर आपके पास खेत नहीं है फिर भी आप खेती कर सकते हैं। आप भी सोचेगा कि आप मेरे पास खेत नहीं हम खेती कैसे करेंगे। अभी हम लोग जो खा रहा है वो आप लोग देखिए कि 8x4 का रूम है और 8x4 के रूम में 10,000 का महीना कमा लेते हैं। समझिए कि जिसके पास खेत नहीं है वो भी महीना का 10,000 रूपए कमा सकते हैं। और ये अब छोटा सा एक गाँव है और गाँव में जो है ये जिसे जो है गाँव घर में गोबर छत्ता कहा जाता है दोस्तों, इसकी यहाँ पे खेती होता है और महीने का 10,000 रूपया। देखिए यहाँ पे जो है कितना छोटा सा ये रूम है, कितना छोटा सा रूम है और कैसे खेती करते हैं, चलिए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। मतलब कि यहाँ पे कितना रुपया से आप इसको स्टार्ट किए हैं? हम सर 100 से स्टार्ट किए। हाँ जी 100 रुपया से दिसंबर में 100 से स्टार्ट, 100 रुपया से स्टार्ट कर दिए। 100 रुपया से कितना रुपया कमा लिए इसमें? 2000 सर। 2000 रुपया मतलब 100 रुपया से एक छोटा सा बिजनेस है जो आप 100 रुपया लगा के इस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए और 100 रुपया से आप 2000 रुपया कमा सकते हैं। यानी कि अगर आप इस वीडियो को गांव से देख रहे हैं तो वीडियो जो है जरूरी काम कीजिएगा। कैसे ये करते हैं, इसके अंदर पानी भी डाले होंगे? जी पहले भूसा को 16 से 18 घंटा पानी में भिगाना पड़ता है। हाँ, भूसा को पानी में पहले भिगाना पड़ता है ना? जी जी। फुलाना पड़ता है पानी में, उसके बाद इसमें कुछ केमिकल भी डालते होइएगा? जी पहले उसको फुला के उसके बाद फिर से सुखाना पड़ता है सर। उसके बाद बीज दे के इसमें हम पैक करते हैं। मतलब इसको भिजाते हैं, फिर सुखाते हैं, फिर इसमें बीज डालते हैं और पन्नी में पैकिंग करते हैं और टांग देते हैं इस प्रकार से, है ना? और ये कितना दिन में जो है वो इस तरीके का फल जो है वो कितना दिन में निकल के उभर जाता है? 20 दिन में इतना बड़ा हो जाता है ना। फिर आप इसको बेचते कैसे है? 150 रुपए किलो। जी 150 रुपए किलो ये बिकता है। और इसको सुखा के अगर बेचे तो 2000 रुपए किलो। जी समझिए कि ये अगर आप सब्जी के लिए लेते हैं तो 150 से 200 रुपए किलो मिलता है, अगर आप इसी को सुखा के अगर बेचते हैं तो 2000 रुपए किलो। इतना बढ़ क्यों जाता है सूखने के बाद? सूखने के बाद एक किलो सुखाएंगे ना सर। हाँ। तो उसमें 100 ग्राम होगा। 100 ग्राम होगा जी। क्या होगा 100 ग्राम? वजन होगा सर। वजन किलो को सुखाएंगे तो। अच्छा, क्या प्रयोग है सूखने के बाद? सूखने के बाद क्या होता है इसका? इसका सुखा के हम पाउडर बनाते हैं, चिप्स बनाते हैं, लड्डू भी बनता है। लड्डू भी बनता है इसका? जी। अच्छा, जैसे कि बेसन का लड्डू बनता है ना सर? ऐसे। हाँ, मतलब सुखाने के बाद इसका बहुत सारे चीज ऐसे जो है दवाई में भी काम आता है, है ना? गैस का स्पेशली इसका पाउडर भी बनता है सर। हाँ, मतलब गैस का भी इससे पाउडर बनता है, उससे गैस भी ठीक होता है। जी 100% हमारा प्रयोग किया हुआ है। अच्छा, पाउडर भी आप बनाए हुए हैं? जी बनाते हैं। हाँ, पाउडर भी आप बनाते हैं? बनाते हैं, सेल भी करते हैं। अच्छा, पाउडर भी बना लेते हैं और सब्जी के लिए बेच भी देते हैं? बेच भी देते हैं। आप समझिए कि 100 रुपया के लागत से बिजनेस स्टार्ट किया है और 100 रुपया से 10,000 तक पहुंच गया दोस्तों। और ये सब्जी नहीं बल्कि इनका पाउडर बनता है और बहुत सारा दवाई भी जो है इनका बनता है। और अभी तक आप कितना पैसा कमा लिए होंगे इससे? इससे हम 20,000 प्लस हैं सर। हाँ जी, 20,000 रुपए आप कमा लिए होंगे इससे ना? जी हाँ। देखिए इधर दिखा देंगे ये यहाँ पे देखिए ये फल जो है किस प्रकार से, नजदीक से दिखाइए। ये यहाँ पे देखिए बड़ा सा, ये कब तक इसको तोड़िएगा? इसको तोड़ लेंगे सर आज। आज इसको तोड़िएगा? इससे डबल भी होता है, कितना बड़ा रहता है? पहली बार होता है डबल, लेकिन अब छोटा होगा सर। पहली बार डबल होता है, उसके बाद छोटा होता है। और इसको आप जब लगाए हैं इसमें से कितना बार निकलेगा तो उसको आप दूसरा इसको हटा के और दूसरा लगाइएगा? अब हटा देंगे सर इसके बाद। इसके बाद हटा दीजिए। कितना निकाल लिए होंगे आप इसमें से? एक बैग से या पूरा सर? एक बैग से हम लगभग 3 किलो निकाल चुके हैं। 3 किलो? और एक में से 3 किलो निकलता है जी? उसके बाद नहीं निकलता है? निकलता है सर, लेकिन थोड़ा मार्केट में रहना है तो अलग अलग देना पड़ेगा। अच्छा, निकालता है यानी कि ना? और इसको आप हटाइएगा? निकालेंगे, भैंस को खिला देंगे सर। भैंस को खिला देंगे, भूसा भी कामयाब फेंक देते हैं। कामयाब है, इसमें कैल्शियम ही कैल्शियम है सर। अच्छा जी, तो फिर भूसा को भैंस को खिला दीजिएगा, मतलब भूसा बर्बाद नहीं होगा? नहीं होगा। आप समझिए कि 100 रुपया लगाइए और 10,000 रुपया कमाइए। आपके पास जमीन नहीं है, थोड़ा सा भी जमीन है, जिस घर में सोते हैं उस घर में भी आप इसको जो है कर सकते हैं ना? जी कर सकते। हाँ, आप समझे कि एक छोटा सा घर देखिए, कितना छोटा सा घर है दोस्तों, और इस घर से 10,000 रुपए कमाता है। कहीं जो है दिल्ली मुंबई जो है जाने का जरूरत नहीं है। 100 रुपया समझिए कि 100 रुपए लगा के इसको स्टार्ट किए हो और इसमें जो है पन्नी को फाड़ फाड़ के, पन्नी को फाड़ फाड़ के जो है इसे निकलता है। पन्नी को फाड़ फाड़ के देखिए, यहाँ पे छोटा सा है और फाड़ फाड़ के सारा डबल हो जाता है और उसके बाद जो है तोड़ लिया जाता है ना?
यहाँ पे देखिए ये कितना डबल हो गया, देखिए ये इतना डबल हो गया और इसको तोड़ के जो है वो बेच लेंगे। आप समझिए कि 100 रुपया लगा करके जो है 10,000 तक पहुंच गए और ये इतना छोटा सा है, यानी कि इनके पास ज्यादा जमीन नहीं है। अगर इसे डबल रूम में करता है, 4-5 इस तरीके से रूम में कर देता है, तब आप कितना कमा सकते हैं? लाखों रुपये महीना का कमा सकते हैं। समझिए अगर आपके पास इससे बड़ा जमीन है, ये छोटा सा है, देखिए ये इतना है, मतलब एक डेग में ये खत्म हो गया। समझिए कि कितना छोटा रूम है। अगर आपके पास इससे बड़ा कोई रूम है, कोई हॉल है, तो आप महीना का 1,00,000 रुपये कमा सकते हैं। समझिए कि महीना का 1,00,000 रुपया जो है आप इससे कमा सकते हैं। अगर आपके पास जो है इससे कोई बड़ा रूम है तो कमा सकता है 1,00,000 रुपया लगा सकता है। हाँ जी, अभी जो तोड़ के रखे हुए आपके पास अभी है और जी है जो ये पूरा जो अभी लगाए, एक बार लगाए तो इस पूरा में कितना खर्चा? 500 रुपया। मतलब 500 रुपया में जो दोस्तों ये 500 रुपया कितना पैसा कमा लीजिएगा? अभी सर हम 3,000-4,000 से प्लस हम दे चुके हैं सर। 4,000 रुपया, 500 रुपए का ये बनाए हैं, लगाए हैं और 4,000 रुपया निकाल लिए और अभी और निकालिएगा, और निकालिएगा। ये देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये जिसे गोबर छत्ता कहा जाता है और इसको इसका सब्जी भी बनता है दोस्तों, और इसको अगर सुखा दिया जाए, पाउडर बनाया जाए तो काफी दवाई में भी काम आता है। आप समझिए अगर आपके पास जमीन है तो इसका खेती करके जो है दोस्तों वो महीने का जो है वो आप 1,00,000 रुपये कमा सकते हैं। अगर आपके पास छोटा सा जमीन है, थोड़ा ही नांट है, छोटा सा है, तो आप जो महीने का 10,000-15,000 रुपये जो है वो जरूर कमा सकते हैं, है ना? जी। ये इसको आप क्या कीजिएगा? इसको अभी सर एक आदमी का फोन आया था, वो कस्टमर है, उसको देना है, तो इसीलिए रखे हैं तोड़ के। हाँ। ले जाएंगे अभी। 150 से 200 रुपए किलो मिलता जी, है जी, जी। अपना में तो लोग नहीं खेले खरीदेगा, बोलेगा तो गोबर छत्ता है, जहाँ तहाँ गोबर पे उगता है जी जी। हाँ। पहली बार दूसरा बार दिक्कत हुआ, अब नहीं दिक्कत हो रहा है सर, अब बार बार फोन आ रहा है, कस्टमर को हम दे ही नहीं पाते। इसको क्या नाम से लोग जानते हैं? मशरूम। अब समझिए कि ये मशरूम है दोस्तों, गांव घर में इसे गोबर छत्ता कहा जाता है। आप मशरूम के खेती करके जो है महीना का 10,000 रुपया कमा सकते हैं। समझिए कि ये छोटा सा इसके पास रूम है, आप सोचे नहीं कि कुछ डबल में किया जाए? डबल मेरे पास अभी रूम नहीं है, लेकिन हम किसी के कहे हैं कि वहाँ पे भरवा दीजिए, वहाँ पे हम बनवाएंगे, आगे रोड है, किराया पे कीजिएगा ना जी। हाँ। आप समझिए जमीन नहीं, किराया पे जो है इसे डबल बनाएंगे, है ना जी? डबल बनाएंगे। हाँ। लोगों को करना चाहिए जी, करना चाहिए। हाँ। हम तो दिल्ली मुंबई आप नहीं जाते हैं? नहीं, हम नहीं जाते हैं। जाइबे नहीं कर दिल्ली? एक बार गए थे लेकिन हमको अच्छा नहीं लगा, तो हम फिर पुनः यहाँ आ गए। दिल्ली मुंबई एक बार गए थे, अच्छा नहीं लगा तो भाग के आ गए। हाँ। आप समझिए कि ये भाई साहब दिल्ली मुंबई गए थे लेकिन इनको अच्छा नहीं लगा तो ये भाग के आ गए और ये 100 रुपया लगाए और 100 रुपया लगा के जो है महीना का 10,000 रुपया कमा रहे। समझिए कि ये गांव में जिसे लोग गोबर छत्ता कहा जाता है और इसका खेती करके लोगों को पता नहीं होता है, इसका खेती करके महीने का 10,000 रुपया कमा सकते हैं, 1,00,000 रुपया भी कमा सकते हैं अगर आपके पास कहीं ज्यादा जमीन है। समझिए कितना छोटा सा है, 8x जो है ये 4 का कमरा है और इसमें महीने का 10,000 रुपया कमा सकते हैं। अगर आप इसका बिजनेस करना चाहते हैं, किस तरीके से खेती किया जाता है, जो है इसका खेती किस तरीके से किया जाता है, तो बगल में नंबर चल रहा है, आप कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं कि कैसे इसका खेती किया जाता है। बाकी आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।